अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अनदर प्रोग्राम जो हमेशा की तरह जो है ना जल्दबाजी का प्रोग्राम हमारे। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है कि आज निकले हैं घर से, अभी सो के उठे थे तो हमारे दोस्त को याद आया कि जो है वो चलना है भाई, खट्टा चलो, मकड़ी चलो या शाकी चलो, कहीं भी हमें लेके चलो। प्लान बन गया है घर से, फ़िलहाल अभी निकल गए हैं। ये वही होटल है जो जिस पे अभी लास्ट जो आपने पिछला ट्रैक देखा होगा, तो हाले जी जाते वक्त भी मैं इसी होटल पे रुका था यहाँ पे। और इस नेशनल हाईवे का आई थिंक सबको पता ही है कि पोर्ट कासिम के बाद यही रोड है सीधा, और अगर कराची से आते हैं तो कायदाबाद के बाद पोर्ट कासिम, पोर्ट कासिम के बाद यहाँ। तो फ़िलहाल अभी हो गया है नाश्ते का प्लान, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे ही बस उठ कर आ गए। और साथ साथ जो है वो बस क्या बताऊँ, बहरहाल अभी जो है ना चलेंगे आगे, ट्रिप पहले नाश्ता करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जाते हैं, टिक्का जाते हैं, मछली जाते हैं या शाकीक जाते हैं। तो ये तो टाइटल डिसाइड होगा, थंबनेल डिसाइड होगा लोकेशन में पहुँचने के लिए। अभी यहाँ पर 1 बज गया, घर से ही हम 12 बजे निकले और बस अर्जेंट ट्रिप वाले सारी चीज़ होती हैं। तो अभी आगे चलते हैं नाश्ता करने के बाद, आगे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, सीन ऐसा है कि अभी ऑन द वे टू खट्टा है, बाइक चल रही है और बहुत मज़े से चल रही है। आगे हमारे एक भाई हमारे साथ राइड कर रहे हैं, अनिल भाई। तो टाइम हो गया है इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं कि जो है वो खट्टा पहुंच के आपको कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। राइड क्या करना है, मछली चलेंगे पहले? मछली, हाँ मछली चलते हैं पहले जो है ना, अपने थोड़ा सा टूल फूल रेडी कर लें जरा, आपकी हो जाएगी तो फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ तो भाई सीन ये है कि अभी स्टॉप लिया है सजावल वाले कट के ऊपर ना। तो ये जो कट है ना सजावल वाला, ये जा रहा है शाहजी की तरफ। ये अगर शाहजी जाना है तो फिर इस तरफ जाना सजावल कट पर। अभी यहाँ रुकने का रीज़न ये है कि अभी हमारा प्लान डिसाइड हुआ है कि हम जो है ना वो जाएंगे पहले मकली के बाद फिर जो है वो शाकी की तरफ निकलेंगे। ये पुलिस चौकी है यहाँ पे, ये चौकी के फौरन साथ जो है ना ये एक कट है जो जा रहा है इस तरफ। और अभी चलते हैं पहले मकली चलिए बात करेंगे, और उसके बाद जो है ना थोड़ा वहाँ के बाद फिर देखते हैं शाकी चलते हैं। रुकने का रीज़न सिर्फ ये था कि आप लोगों को रास्ता गाइड करने के लिए, कि अगर जो नए यूज़र्स हैं, स्पेशली जो नए यूज़र्स हैं या नए ट्रैवलर हैं या नए ब्लॉगर्स हैं उनके लिए भी, और जो नए नए सफ़र करने शुरू स्टार्ट किया जिन्होंने, तो उनके लिए भी। तो बस इसलिए ट्रैवल गाइड बना रहा हूँ, बाकी आगे चलते हैं। तो भाई फाइनली मकली के कब्रिस्तान तक हम पहुँच गए हैं, बस अब टिकट वगैरह हमने ले लिया है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा मकली के बारे में भी यहाँ पर ज़िक्र करते हैं हम बातों का। अगर मकली के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँ तो ऐसा है कि मकली का जो कब्रिस्तान है ये दुनिया के सबसे बड़े जो एक कब्रिस्तानों की जो हिस्ट्री है, लिस्ट है, उसमें भी शामिल है। यहाँ पर बादशाह, मलका, गवर्नर, औलिया, स्कॉलर, फलसफी और सूफ़ी यहाँ पर सब पत्थर की यादगारों में दफन है, जिनमें से कुछ ढेरों चश्मपोशों से भी सजे हुए हैं। और यहाँ के जो पत्थर हैं, तामीरशुदा बकिया यादगार हैं, उनमें बहुत ही ख़ास लोग भी मदफन हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पर जाम निज़ामुद्दीन दोयम के मकबरे भी शामिल हैं, जिन्होंने 1461 से लेकर 1509 तक हुकूमत की। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो एक और मशहूर कमांडर एलएसए खान तुरखान जवान के भी मकबरे हैं, और साथ साथ उनके वालिद जान बाबा की भी कब्र यहीं पर मौजूद है, जिनका मकबरा 1644 से पहले तामीर किया गया था, जो बहुत ही इंतहाई रंगीन टाइल्स से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम किया गया है, और वो सब यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात करें यहाँ पे तो दीवान शुरफा खान साहब, वो भी 1638 में इंतकाल कर गए थे। और मज़ीद बात इसके बारे में अगर की जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे ढांचे हैं जिनका अनोखा मजमूआ मुख्तलिफ फ़न और तामीरता अंदाज में यादगार इमारतों को मुतासिर कुन तरतीब से पेश करता है। और ये ढांचे इनके मुकामी अंदाज और मुख्तलिफ असरात और डिफरेंट फ्यूजन्स के लिए काबिले ज़िक्र हैं। इन असरात में दूसरों के अलावा गुजरात तर्ज का फ़न, हिंदू फ़न, इन तमाम तामीर में शामिल है। और साथ साथ यहाँ पर मुग़ल शाही फ़न भी तामीर है इन इमारतों में, जो छोटी छोटी इन्होंने कब्र बनाई हैं यहाँ पर। तामीराती अंदाज में अगर बात किया जाए तो टेराकोटा के दौर फारसी और एशियाई मिसालों को भी मकली लाया गया था,
और साथ साथ इनको भी यहाँ पर ढाल दिया गया। और अगर यहाँ बात की जाए तो पुतली की सजावट का एक असल तस्वीर भी मकली में ही तैयार किया जाता। और साथ साथ एक बात और भी यहाँ पर है कि शायद इसकी जो टाइन है, जो पेंट है, जो टाइल्स का डिज़ाइन है, वो ग्लेजर्स टाइल्स यूज़ किए हैं इसमें, जो मुशाबात से होते हैं इनके। और साथ साथ मकली की कब्रिस्तान जो है वो एक अजीम तारीख है, एक यादगार है, सिंध की समाजी और सियासी तारीख की दलील इन शहादतों से मुतहरक है। और यहाँ पर बहुत से मशहूर लोगों की कब्रें मौजूद हैं, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जाम, जिससे कि एक मज़ार जिसका केंजर लेक में नूरी जाम तमाची के नाम से भी मौजूद है, तो वो भी कब्र यहाँ पे मौजूद है, उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी हम एक और बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर साथ साथ जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा ज़्यारत करने आते हैं, वो है एक मशहूर मज़ार शेख अब्दुल्ला शाह असाबी का, जिसकी ज़्यारत करने लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, सिंध से, पंजाब से, हैदराबाद से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर की ज़्यारत करने आते हैं। उनका मज़ार भी यहाँ मौजूद है, जहाँ हम भी अभी पहुँचने वाले हैं। और ये तमाम जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर ये तमाम मज़ारात को भी हमने कवर किया है। तो अभी हम चलते हैं शेख अब्दुल्ला शाह असाबी के मज़ार। फ़िलहाल मकली 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 है। और ये अब हम मकली की, तो प्लान तो भाई कहीं का भी होता है और कहीं हम घुस जाते हैं, तो ये हमारा सिलसिला ऐसा ही है कि हम अक्सर बेशतर प्लान कहीं का करते हैं और कहीं और चले जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी तक मकली तक पहुँचे, आगे का अभी नहीं पता आगे कहाँ तक जाना है हमको। अभी जो है ना वो बच्चा जो है ना शहीद हो जाता आगे, लेकिन फिलहाल लेट सी के आगे क्या होता है और कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये पार्किंग पर आ गए हैं हम, बाकी चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या होता है। कि देखो ब्लॉग व्लॉग तो बहुत हर दफ़ा करते रहते हैं, मकली के मज़ार पर आ चुका है कई स्टार्ट किया था, साथ ही पहुँच कर घंटा तक पहुँच चुके हैं और तकरीबन शाम में 4 बजे। ये जहरीले बाइक वाले हम क्या कर सकते हैं, एनीवे लीव कर आगे चलते हैं। ब्लॉग तो बहुत करते रहते हैं, आज छोटी सी बस स्टोरी ये है आप लोगों के लिए कि भाई 2016 इधर जाया है ऐसे करते 2016 में जब पहली GS ली थी ना हमने, मैंने और मेरे बड़ा अच्छा दोस्त है, हमने पहला ट्रिप भी ठट्टा कर किया था और हम दोनों अकेले आए थे और सिंगल बाइक पर आए थे। और आज 2021, तो बड़ी अच्छी सी मेमोरीज क्लिक हो जाती हैं जब आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी मेमोरीज क्लिक हो जाती हैं और बड़ा यादगार और एक ज़बरदस्त सा माहौल चल रहा होता है। तो आज 2021 में ठट्टा के मज़ार पर बैठ के पहले सिंगल बाइक पर, और आज वो दिखाएँ जरा इनको, वो वाली बाइक दिखाएँ जरा इनको, वो देख रहे हैं डबल बाइक्स। तो ये इधर आओ, इधर ले आओ, इधर हमारी तरफ, हम ब्लॉग बना रहे हैं तो पता नहीं है क्या ब्लॉग हमारा। ये वेलकम टू द ब्लॉग अगेन भाई। तो सीन ये है कि बड़ी खुशी होती है भाई अगर अच्छे दोस्त मिल जाएँ, अच्छा ट्रैवल हो जाता है, मज़ा आता है। मकली के मज़ार के बारे में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, ट्रैवल गाइड मैंने बना ली है, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ। ये अच्छी अच्छी सी चीज़ें और कुछ मैं 2016 की तस्वीरें डाल रहा हूँ जो मेरी और अनिल भाई के साथ थी इसी जगह की। हम 2016 में भी ऐसे ही थे, वही सेम फिजिक्स सेम, मतलब अच्छा हैंडसम था लड़का, वो पता ही होता, अनिल भाई वैसे ही अभी तक। तो आज का ब्लॉग बस यही है कि यहाँ से निकलते हुए ख़त्म करेंगे, शाकिक जाने का प्लान हमारा हो गया कैंसिल और हम शाकिक नहीं जा रहे हैं अब। यहाँ से थोड़ा सा बस हाईवे पे कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा बहुत कैफ़े इमरान में बैठेंगे और बैठने के बाद फिर घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो कैफ़े इमरान के ऊपर हम इख्तिताम करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही है,
और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मकली के बारे में नहीं दूंगा, ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है, और थैंक यू सो मच फॉर दोस गाइस यार जो ऑलरेडी, सॉरी इंग्लिश नहीं बोलनी है, ये बोला था मुझे पिछले ब्लॉग में किसी ने यार उर्दू में बताया करो। तो भाई शुक्रिया बहुत बहुत उन लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो सपोर्ट करते हैं, और फाइनली जो है वो 1K ऑलमोस्ट तकरीबन क्रॉस में तकरीबन कर ही गया हूँ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बस थैंक यू सो मच। भाई सीन ये है कि जो खट्टा तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब जो है ना वो यहाँ अंधेरा होने वाला है, तो मैंने सोचा कि खट्टा का क्लिप जो है वो बस यहाँ पर इसको अख्ताम करते हैं। और आज हमने खट्टा का विज़िट भी कर लिया है, ऐसे निकले थे शॉर्ट राइड पे, कोई प्लान नहीं था, शाकिब जाने का भी प्लान था और भी जगह प्लान था, बट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हमने चोर किया आज, वो है खट्टा। डर लगता भाई, रिस्की है थोड़ा। चलो खैर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। Understand? Allah Hafiz.